सब? बहुत टाइम लगता है लेकिन आने में तुम लोग को जी। स्टार्ट किया जाए। चलो कहां तक पढ़ा चुके थे केमिस्ट्री में? जंग उंग लग गया था ना जी, जंग लगने वाला बता दिए थे, ऑक्सीडेशन डिरेक्शन ये सब बता चुके थे ना। मतलब हम केमिस्ट्री में कितना प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया होता है इस सब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या प्रकार का होता है इस सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दहन और ज्वाला। चलो दहन और ज्वाला स्टार्ट देके चैप्टर का नाम लिखो, दहन और ज्वाला। दहन तथा ज्वाला कॉम्बुशन एंड फ्लेम कहते हैं अंग्रेजी में, अकरा कॉम्बिनेशन एंड फ्लेम कहते हैं। दहन और ज्वाला हिंदी में चैप्टर, दहन और ज्वाला। आप सबसे पहले दहन क्या है, दहन लिख के और उसके बाद में डैश दो। दहन क्या होता है, दहन में लिखो, दहन देके इसके बाद लिखो, उसके बाद समझाते हैं। लिखो किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलना, किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलना, ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलने पर ऊष्मा तथा प्रकाश देता है जिसे दहन कहते हैं। आप उनो पदार्थ ऑक्सीजन के उपस्थिति में जल के क्या देगा, ऊष्मा और प्रकाश देगा। अब देखो यहाँ पे वो चीज है कार्बन, कोयला। कार्बन को अगर जो हम जलाएंगे ऑक्सीजन के उपस्थिति में तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो देवे करेगा, जिसको धुआं नहीं होता जी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब उसके बाद में प्लस ऊष्मा मतलब गर्मी। अगर जो कोयला को जलाता है तो गर्मी लगता है जी, तो जी गर्मी लगता है, कहने लगता है कोयला को जलाने पे गर्मी लगता है तो कौन सी हो गया ऊष्मा। रोशनी थोड़ा मोरा आता है तो रोशनी भी आता है तो क्या हो गया प्रकाश। उनो पदार्थ को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाने पर अगर जो हीट गर्मी और प्रकाश देगा तो ओकरा कौन सी बोलेंगे कि पदार्थ का दहन हो रहा है। अब सल्फर को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाएंगे तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश देगा। अब सल्फर को जला रहे हैं कौन सी के उपस्थिति में, ऑक्सीजन के उपस्थिति में, तो सल्फर डाइऑक्साइड दिया, ऊष्मा दिया, प्रकाश दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, दहन हो रहा है। बिल्कुल दहन हो रहा है। अब सबसे पहले दहन में जो पदार्थ जलता है उसको दहनशील पदार्थ कहते हैं। नोट करके लिखो एक बात, दहन में जो पदार्थ जलता है ओकरा दहनशील पदार्थ कहते हैं, उसको दहनशील पदार्थ कहते हैं। तथा जो पदार्थ नहीं जलता है तो उसे अदहनशील पदार्थ कहते हैं, उसे अदहनशील पदार्थ कहते हैं। अब बताओ क्या हो सकता है, अब खाली ऑक्सीजन के उपस्थिति में दहन होगा क्या, तो नहीं, ऑक्सीजन के बिना भी कोई पदार्थ का दहन हो सकता है। जैसे ये तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन हो गया था, अब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति करते हैं, ऑक्सीजन के अलावा कोई एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन को अनुपस्थित करते हैं। ऑक्सीजन की
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, जब ऑक्सीजन रहबे नहीं करेगा तब कैसे जलेगा। तो यहाँ पे मैग्नेशियम 3Mg प्लस ये अभिक्रिया कर 3Mg प्लस N2 ये बनाएगा Mg3 N2 और प्लस क्या देगा उष्मा, और प्लस प्रकाशो थोड़ा थोड़ा देता है। अब यहाँ तो ऑक्सीजन नहीं है, मैग्नेशियम है। अब मैग्नेशियम को नाइट्रोजन के उपस्थिति में जला रहे हैं, तो मैग्नेशियम नाइट्रेट दे रहा है, उष्मा दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, तो क्या दहन हो रहा है, तो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में दहन हो रहा है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में दहन हो रहा है। तो एगो पॉइंट देके पहले लिखो लिखो मैग्नेशियम धातु नाइट्रोजन के उपस्थिति में जलकर मैग्नेशियम नाइट्रेट तथा उष्मा तथा प्रकाश बनाता है। इसमें ऑक्सीजन लगा जी नहीं, कोई कोई थोड़ा थोड़ा जलन जो है बिना ऑक्सीजन का भी हो सकता है, जैसे 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 क्लोरीन से भरे कोई भी कंटेनर है, उसमें अगर जो जलता हुआ मोमबत्ती को ले जाएंगे तो मोमबत्ती जलते रहेगा, धुआं देते रहेगा, तो मोमबत्ती का दहन उस समय किसकी उपस्थिति में हो रहा है तो क्लोरीन के उपस्थिति में हो रहा है। यहाँ पे मैग्नेशियम का दहन नाइट्रोजन के उपस्थिति में हो रहा है, जैसे जलता हुआ मोमबत्ती है और उसको कोई क्लोरीन से भरा एक कंटेनर है उसमें ले जाएंगे, उसमें अगर जो ले जाएंगे मोमबत्ती जलते रहेगा, धुआं देते रहेगा, उष्मा निकलते रहेगा, प्रकाश भी थोड़ा थोड़ा निकलते रहेगा, तो वहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है। इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति है कि अनुपस्थिति है, इसको छाप लेना, उसके बाद देखो दहन के लिए शर्त इसको भी VI कर देना, दहन के लिए क्या क्या शर्त है। सबसे पहले दहन के लिए शर्त है, तो शर्त नंबर 1 में लिखो दहन के लिए कौन शर्त है। दहन के लिए जलने वाला पदार्थ दहनशील होना चाहिए, मतलब दहनशील पदार्थ होना चाहिए, जलने वाला होना चाहिए। इन्हें जो मिट्टी को जलाएंगे साला जलवे नहीं करेगा, जलने वाला पदार्थ रहेगा तभी ना जलेगा जी, तो जलने वाला पदार्थ होना चाहिए। दो नंबर में दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति होना चाहिए। जैसे दहन का पोषक पदार्थ होना चाहिए। अब देखो दहन के लिए पहला शर्त क्या था कि दहनशील पदार्थ होना चाहिए, जलने वाला पदार्थ होना चाहिए, इन्हें लोहा को जलाएंगे और भी किसी चीज को जलाएंगे। हालांकि लोहा को जलाएंगे तो उसको ज्यादा ताप चाहिए, ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, वो अलग सी बात है, लेकिन दहनशील पदार्थ होना चाहिए, जलने वाला पदार्थ होना चाहिए। अब देखो और दूसरा शर्त क्या है कि दहन का पोषक तत्व, दहन को जो पोषता है वो मौजूद होना चाहिए। दहन को कौन पोषता है, ऑक्सीजन सब दहन को क्या करता है, पोषता है, तो हवा ऑक्सीजन ये सब होना चाहिए तभी जलेगा, ये सब के बिना नहीं जलेगा। अब मान लो कोई आदमी के शरीर में आग लग गया तो उसको क्या करते हैं, कम्बल उम्बल से लपेट देते हैं, मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं जाता है इसीलिए वो आग बुझ जाता है। पानी नहीं मारते हैं, कम्बल से लपेट देने पर ऑक्सीजन अब्सेंट हो जाता है और वो आग बुझ जाता है। तो दहन के लिए दूसरा शर्त क्या होना चाहिए, दहन को पोषने वाला तत्व जैसे ऑक्सीजन हो गया, हवा हो गया, ये सब मौजूद रहना चाहिए। तीसरा नंबर में लिखो ज्वलन ताप की प्राप्ति होना चाहिए।
आप ज्वलन ताप किया है। यहाँ पे आप सबसे पहले हम समझ गए कि दहन के लिए पदार्थ दहनशील होना चाहिए, ये भी समझ गए। उसके बाद दहन को पोषने वाला जैसे ऑक्सीजन हवा ये सब है, दहन को जो पोषता है वो सब होना चाहिए। और उसके बाद में अगला क्या है, ज्वलन ताप का होना चाहिए। अब ज्वलन ताप क्या होता है, तो ज्वलन ताप देके डैश देके लिखो, ज्वलन ताप देके डैश देके लिखो। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, उसे ज्वलन ताप कहते हैं, अब ज्वलन ताप क्या होता है, वह न्यूनतम ताप जिसपे कोई पदार्थ में तुरंत आग लग जाता है उस ताप को बोलेंगे ज्वलन ताप। अब देखो जैसे हम लोग लार देखा है जी, लार उसको दूसरा भाषा में पराली बोलते हैं, पराली तो समझता होगा ना, पराली में एक माचिस बार के थोड़ा सा आग लगाओ साला सब जल जाएगा, उसका ज्वलन ताप क्या है, कम है, उसका ज्वलन ताप कम है। लेकिन वही लकड़ी में ऐसे माचिस लगाते रहो, चेला का बात कर रहे हैं, चेला में माचिस लगा के आग लगाते रहो जल्दी नहीं पकड़ेगा क्योंकि उसका ज्वलन ताप अधिक है। धीरे धीरे करके थोड़ा उस पर तेल उल डाल के चेला में आग पकड़ा भी देगा। तो लोहा का देखो, लोहा का ज्वलन ताप और बहुत ज्यादा करेंगे तब लोहा जलेगा, ऐसे नहीं जलेगा। सबसे पहले ज्वलन ताप प्राप्त होना चाहिए। अब जैसे हम कोई कम ज्वलन ताप वाला पदार्थ को जलाते हैं, जैसे लार को जलाते हैं, पराली जिसको बोलते हैं, लार को जलाते हैं, या और भी कोई पदार्थ है जिसका ज्वलन ताप कम है, जिसका ज्वलन ताप कम होगा उसमें तुरंत आग लगाएंगे, तुरंत पकड़ लेगा। अब केरोसिन तेल में तुरंत आग पकड़ लेता है, ज्वलन ताप कम है जी, तो जी ज्वलन ताप कम है। अगर जो कोई पदार्थ का ज्वलन ताप कम है तो उसमें तुरंत आग पकड़ लेगा चाहिए। अगर जो कोई पदार्थ का ज्वलन ताप उसके ताप से कम है तो वो नहीं जलेगा। अब मान लो मेरा ज्वलन ताप है 70 डिग्री सेल्सियस और मेरा ताप है 30 डिग्री सेल्सियस, तो हम जलेंगे जी, नहीं जलेंगे। तो कोई पदार्थ का ताप उसके ज्वलन ताप से कम रहेगा, तो पदार्थ नहीं जलेगा। अगला लिखो बीबीआई कर लेना ज्वलन ये सब वाला। अगला लिखो ज्वाला फ्लेम बोलते हैं इसको, ज्वाला। जब कोई वाष्पशील दहनशील पदार्थ आता है, वो जलाया जाता है तो उसमें एक लौ उत्पन्न होती है, जिसे ज्वाला कहते हैं। आप कोई पदार्थ को जला रहे हैं, माचिस के तिल्ली को जला रहे हैं, इसमें ये वो लौ ये वाला आग का लपट उत्पन्न होता है ना जी, इसी को क्या बोलते हैं, ज्वाला बोलते हैं। ये वाला आग का जो लपट उत्पन्न हो रहा है इसी को क्या बोलते हैं, फ्लेम बोलते हैं। दहन मतलब वो जल रहा है, ज्वाला मतलब उसमें आग का लपट आता है, जैसे कोयला जलता है उसमें ये लपट आता है, उतना ज्यादा नहीं रहता है, थोड़ा हल्का फल्का बहुत कम रहता है, लेकिन वो जलते रहता है। लेकिन अगर जो लकड़ी जलता है, चेला जलता है, तो उसमें आग का लपट आता है, ज्वाला आता है जी, तो ज्वाला आता है। तो अब देखो ज्वाला क्या प्रकार का होता है, ज्वाला सबसे पहले दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रकाशमान ज्वाला और एक होता है प्रकाशहीन ज्वाला। अब नामे से स्पष्ट है, वैसा ज्वाला मतलब वैसा उल्लपट, वैसा उल्लो, वही काठी वाला ई वाला ई वाला वैसा ही लपट
जिसमें प्रकाश रहता है उसे प्रकाशमान ज्वाला कहते हैं, ऐसा लोह जिसमें प्रकाश नहीं रहता है उसको प्रकाशहीन ज्वाला कहते हैं। तो प्रकाशमान ज्वाला क्या हो गया, ऐसा ज्वाला जिसमें प्रकाश उपस्थित रहता है तो उसे प्रकाशमान ज्वाला कहते हैं। तो प्रकाशमान ज्वाला में प्रकाश रहेगा तो रहेगा कितना रहेगा तो अधिक रहेगा। और प्रकाशहीन ज्वाला में प्रकाश रहेगा तो कम रहेगा। वही जैसे यहाँ पे हम एगो मोमबत्ती को जला रहे हैं उसके बाद में हम कोयला को जला रहे हैं तो मोमबत्ती में प्रकाश रहेगा तो जी कोयला में प्रकाश रहेगा तो नहीं, उतना ज्यादा प्रकाश रहेगा मोमबत्ती कितना नहीं, तो वो प्रकाशहीन ज्वाला है और ये प्रकाशमान ज्वाला है जी, ऑनलाइन प्रकाशमान ज्वाला है। अब देखो प्रकाशमान ज्वाला में हीट जकरा उष्मा कहते हैं, गर्मी हीट ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा। अब एगो मोमबत्ती को जलाए कोयला को जलाए तो गर्मी कौन में ज्यादा, मोमबत्ती में ऐसे करेगा ऐसे तो उसमें बढ़िया से ज्यादा गर्मी नहीं लगेगा, तो इसमें गर्मी कम रहता है। मोमबत्ती में गर्मी कम की ज्यादा कम, इसमें हीट क्या रहेगा कम, लेकिन कोयला को छुओ तुरंत पक जाएगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो इसमें हीट क्या होता है, इसमें हीट ज्यादा होता है। अब देखो यहाँ पे वो पॉइंट आ गया, प्रकाशमान ज्वाला में हीट गर्मी कम रहता है और प्रकाशहीन ज्वाला में गर्मी ज्यादा रहता है। हमारे घर में जो गैस सिलेंडर गैस चूल्हा में से गैस निकलता है तो प्रकाशमान ज्वाला की प्रकाशहीन ज्वाला वो हो जाएगा प्रकाशहीन ज्वाला, उसमें गर्मी खूब रहता है, खाना पक जाता है, गर्मी खूब रहता है खूब। लेकिन अगर जो लाइन कट गया, कभी तो ऐसा होता है कोई बोला है कि जाके गैस का चूल्हा जला के छोड़ दो, अगर जो लाइन कभी क्या करना कि सब कुछ सब लाइट बुता देना और गैस का चूल्हा जलाना उसमें से उतना ज्यादा रोशनी नहीं आएगा, लेकिन उसी जगह पे एगो मोमबत्ती जला देगा उससे ज्यादा रोशनी आएगा। काहे तो मोमबत्ती प्रकाशमान ज्वाला है, जबकि गैस वाला जो होता है ज्वाला वो प्रकाशहीन ज्वाला है। गर्मी है इसमें गैस वाला में गर्मी है, खाना बन जाएगा, लेकिन प्रकाश उतना ज्यादा मात्रा में नहीं हो पाएगा भाई, प्रकाश उतना मात्रा में नहीं हो पाएगा। अब देखो इसका रंग क्या होता है, प्रकाशमान ज्वाला का रंग कैसा होता है, इसका रंग पीला होता है। और प्रकाशहीन ज्वाला इसको बढ़िया से गौर से आंख को निहार के मुंह तू रगर के कोयला में देखेगा तो इसका रंग नीला होता है। अभी हम सब कुछ क्लियर करेंगे, प्रकाशमान ज्वाला का रंग पीला होता है, अरे चेला में आग लगा दो पीला रंग का निकलेगा ज्वाला, लेकिन गैस चूल्हा में से देखा है खूब पीला निकलता है, उसमें से नीला वाला निकलता है भाई, नीला वाला बढ़िया से ताकेगा तब। आई कब प्रकाशमान ज्वाला कब होता है, तो इसमें कम ऑक्सीजन जब रहता है ना तब, कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में और प्रकाशहीन ज्वाला जकरा में गर्मी खूब ज्यादा है ज्यादा पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अब ये कब जलता है, तो ये पर्याप्त ऑक्सीजन रहता है इसमें, लेकिन इसमें पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं रहता है, इसमें पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता इसको, जितने ऑक्सीजन लेगा मोमबत्ती जितने ऑक्सीजन लेना चाहेगा उसको उतना पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, लेकिन इसको कोयला वाला जो बताए जितना ऑक्सीजन चाहिए पूरा ऑक्सीजन मिलता है इसको, तो ये क्या हो गया प्रकाशहीन ज्वाला और प्रकाशमान ज्वाला दोनों बता चुके हम तुमको, छापो सबको, इसको छापना बाबू छापो, हो गया चलो मिटाते हैं इसको, समझ में आया जी, चलो मिटाते हैं, आह लोग खूब पढ़ता है जी, आला अच्छा लग रहा है ना लॉकडाउन में सबको, चलो लिख लिया सब, चलो मिटाते हैं।
अब देखो, अब एगो मोमबत्ती बनाते हैं हम। स्ट्रक्चर तो बढ़िया नहीं बनता है मेरा, इमेज सब इमेज को लगता है पोलियो उलियो मार दिया है। मान लो ये मोमबत्ती है, ये मोमबत्ती है, अब ये जल रहा है, ये मोमबत्ती जल रहा है, तो मोमबत्ती जल रहा है, तो यहाँ वाला जो भाग है, ये वाला भाग, इसको केंद्रीय मंडल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? केंद्रीय मंडल, केंद्रीय मंडल, सेंट्रल जोन, सेंट्रल जोन। यहीं से जलना, यहीं से आरंभ होता है, ज्वाला तो ऊपर वाला है, तो इसको सेंट्रल जोन बोलते हैं, इसको सेंट्रल जोन बोलते हैं, केंद्रीय मंडल। उसके बाद बीच वाला ई जो रहता है, बीच वाला ई भाग, इसको प्रकाश मान मंडल कहते हैं। इसको कौन मंडल बोलते हैं? प्रकाश मान मंडल बोलते हैं। प्रकाश अतः से आता है, ई ने जो नीचे से ऊपर से आता है, नीचे ऊपर से नहीं आता है, प्रकाश अतः से आता है, इसको प्रकाश मान मंडल कहते हैं। लुमिनस जोन, लुमिनस जोन, इसको लुमिनस जोन बोलते हैं। और सबसे पहले निचला वाला भाग को केंद्रीय मंडल, बीच वाला भाग को प्रकाशमान मंडल, और ऊपर में यहाँ अगर जो बढ़िया से निहार निहार के देखेगा तो यहाँ नीला कलर का दिखेगा, और यहाँ पे हीट सबसे ज्यादा रहेगा, लेकिन इसको प्रकाशहीन, प्रकाशहीन मंडल बोलते हैं। प्रकाशहीन मंडल, नॉन लुमिनस, नॉन लुमिनस जोन, इसको नॉन लुमिनस जोन बोलते हैं। ऊपर वाला को प्रकाशहीन मंडल, यहाँ से गर्मी खूब ज्यादा मात्रा में निकलता है, अतः से गर्मी जो है खूब खूब निकलता है गर्मी। अगर जो यहाँ पे हाथ डाल के निकाल दो, हाथ नहीं जलेगा, लेकिन एक बार यहाँ पे हाथ डाल के निकालना, पता चल जाएगा। एक बार क्या करना, यहाँ पे हाथ डाल के देखना, पता चल जाएगा। अगर जो हम लोग बच्चा में क्या करते थे, लालटेन जब लेके जाते थे पढ़ने के लिए, बच्चा में लालटेन जब लेके जाते थे पढ़ने के लिए, मस्ती करने के लिए, दूसरा के लालटेन पे हाथ डाल देते थे, ऊपर में हाथ डाल देते थे, ऑक्सीजन नहीं मिलता था, लालटेन बुझ जाता था, बड़ा मजा आता था, लालटेन बुझा दिए, ऐसे करते थे। तुम लोग भी करो, आप तो लालटेन वाला जमाना है, आप तो जमाना आ गया है बल्ब वाला। आजकल तो बच्चा का ये भी शिकायत रहता है कोनो बच्चा का, कि सर आज टास्क नहीं बना, तो पूछो काहे नहीं बना बाबू, तो बोलेगा कल जो है मेरे घर में लाइट नहीं था, तो डिबिया दला के बना लेता। ऐसा होता है कोई डिबिया दला के बने में नहीं करेगा, मोबाइल नहीं देख लेगा, मेरे रस के कमर बहुत तेज है। चाप इसको इसे बढ़िया फोटो बनाना, चलो इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अगला लिखो बाबू, अगला लिखो, दिखाई दे रहे ना, लिखो द्रवीभूत, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस लिक्विफाइड, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस क्या होता है, इसमें हेडिंग डाल के लिखो, इसमें हेडिंग डाल के लिखो, लिखो लिखो, यह गैस ब्यूटेन, ब्यूटेन कार्बन वाला चैप्टर में डिस्कस करेंगे, C4H10, यह गैस ब्यूटेन, कॉमन प्रोपेन, प्रोपेन C3H8, या गैस ब्यूटेन प्रोपेन, एथेन, एथेन C2H6, एथेन, एथेन का मुख्य अवयव है, एथेन का मेन अवयव है, एथेन का मेन अवयव है। पॉइंट दो, पॉइंट देके लिखो, इसमें एथेन का
मुख्य अवयव है। आप देख लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में कौन कौन गैस का मुख्य अवयव है, उसमें ब्यूटेन रहता है, प्रोपेन रहता है, इथेन, ये सब गैस रहता है उसमें, ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन, ये सब गैस रहता है। अब दाब बढ़ाने पर, पॉइंट देके लिखो, दाब बढ़ाने पर गैस द्रवित हो जाता है, दाब बढ़ाने पर ये गैस द्रवित हो जाता है, इसीलिए इसे द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस कहते हैं, इसीलिए अकरा द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस कहते हैं। अब देखो प्रोपेन, ब्यूटेन, एथेन, ये सब गैस है, इसको दाब बढ़ाएंगे, कंप्रेस करेंगे, दाब अगर इसको ज्यादा दबाएंगे ये क्या चीज में बदल जाएगा, द्रव अवस्था में बदल जाएगा, यह कारण से अकरा द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस कहते हैं, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। वही खाना बनाने वाला जो आता है सिलेंडर में जी, वही है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वही अगर उसको ज्यादा दबाएंगे तो वो द्रव की अवस्था में बदल जाएगा, उसको कौन बोलते हैं, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। आप कभी कभी अगर जो गैस निकला होगा और उस पर तू थोड़ा हाथ रख लो तो ऐसा लगता होगा यहाँ ठंडा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा पानी का बूंदा भी जमा हो रहा है, ऐसा लगा होगा अगर जो कभी कभी हाथ रखा होगा गैस पे तो। अगला पॉइंट लिखो, यह रंगहीन तथा गंधहीन होता है, यह रंगहीन तथा गंधहीन होता है, इसमें कोई बदबू नहीं रहता है सिलेंडर वाला गैस में, यह रंगहीन तथा गंधहीन होता है, ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन, ये सब जो है रंगहीन, मतलब रंग तो इसका कोई होवे नहीं करता है और इसमें कोई महको उक नहीं होता है। पहले के जमाना में यही सब बिना महक वाला गैस सिलेंडर में डाल देता था, तो उसके बाद कोई कोई महिला सब ऐसे खाना बनाई और उसके बाद गैस को खुला छोड़ के चली गई, उसके बाद फिर से आई, उसको क्या पता कि गैस खुला है, अब पतोरे चलेगा क्योंकि बदबू उदबू नहीं रहता था उसमें, तो पता कैसे चलेगा कि गैस खुला है कि बंद है। तो एगो अगर जो सलाई का मचिस बाड़ी, मचिस का एगो तिल्ली जलाई, अब पूरा रूम में आग लग गया। ये सब गैस में पहले गंध नहीं होता था, इसके कारण से दुर्घटना ज्यादा होती थी, इसलिए दुर्घटना को कम करने के लिए कि ये गैस खुला है तो पता चले सबको कि यही गैस खुला है, तब माचिस उचिस नहीं जलाएंगे, इसके लिए इसमें एक गंध मिलाया जाता है, इसका अपना कोई गंध नहीं रहता है, इस दुर्घटना से बचाने के लिए इसमें एक गंध मिलाया जाता है, यह गंधयुक्त होता है, गंधयुक्त, लेकिन इसमें गंध मिलाया जाता है। एथिल मर कैप्टन होता है, एथिल मर कैप्टन C2H5SH मेथिल मार कैप्टन, उसका फॉर्मूला ये होता है, नाम का एक बदबूदार गंध द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में मिलाया जाता है ताकि यह गैस खुला रहे तो पता चले। अब देखो अगर जो गैस खुला है और उसमें एथिल मार कैप्टन नामक एगो खराब गंध मिलाया गया, इसका गंध और सरल का मछलियों से खराब होता है, इतना खराब बदबू मारता है इतना खराब बदबू वाला गैस लगा दिया है। अब बनाने वाला बहुत समझदार, वो बढ़िया बदबू गुलाब के फूल वाला नहीं दिया है, अगर जो गुलाब के फूल वाला बदबू डालता और कोई गैस को छोड़ के, तब आदमी क्या करता, गुलाब के फूल वाला वो गैस को तुरंत गैस को खोल के उसको खूब सूंघता, गुलाब का फूल का बदबू आ रहा है, कहीं कोई ऐसे करके सलाह मारता तो उसका नके जल जाता सलाह, इसीलिए खुशबू वाला नहीं दिया है, कौन दिया है, बदबू वाला दिया है, ताकि खूब महके तो आदमी अपने सोचेगा कि ओ बंद करना है, बड़ा खराब बदबू दे रहा है, बदबू वाला दिया है। वैज्ञानिक सब खूब होशियार होता है साला, खूब होशियार। चलो हो गया, लिखो एलपीजी का दहन
दहन, एलपीजी का दहन, एलपीजी का फॉर्मूला होता है 2C4H10, 2C4H10 क्या चीज के उपस्थिति में जलता है, तो ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलता है। ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलने पर यह क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी, पानी 10H2O, अब प्लस क्या बना देता है, प्लस ऊष्मा, ऊष्मा हीट बनाता है, प्रकाश तो इसमें उतना ज्यादा नहीं रहता है, ऊष्मा रहता है। अब देख ये अब एलपीजी गैस ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलता है तो कौन सी बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, पानी बनाता है हल्का हल्का वाष्प के रूप में, और उसके बाद उसमें क्या बना देता है, ऊष्मा गर्मी बना देता है, उसमें गर्मी ज्यादा होता है। गैस वाला आग में गैस को जब जलाते हैं तो उसमें गर्मी ज्यादा होता है, भले ही उसमें प्रकाश न होता है लेकिन गर्मी ज्यादा होता है, उसमें हीट ज्यादा होता है। चलो इसके साथ तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण चैप्टर खत्म हो गया। फिर भी अगर जो नहीं समझ में आया तो किधर नहीं समझ में आया वो कमेंट उमेंट कर देना, वैसे चैनल उनल को सब्सक्राइब सब कर लिया करो, तबे नोटिफिकेशन सब जाएगा। लाइक नहीं किया है तो लाइक करो, चार बार डिसलाइक करो, जो करना है करो, लेकिन पढ़ो बढ़िया से, पढ़ो बढ़िया से। चलो चलो इसी के साथ तुम्हारा ये चैप्टर खत्म हो गया, चलो मिलेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर में। जय हिंद।